नवरात्र का अवसर शक्ति की उपासना का विशेष पर्व है। पूजा दो तरह की होती है, सकाम और निष्काम। जो किसी कामना विशेष की पूर्ति के लिए जो अनुष्ठान किया जाता है उसको सकाम पूजा बोलते हैं, और जो भगवती की कृपा प्राप्त करने के लिए किया जाता है उसको निष्काम पूजा अर्चना बोलते हैं, निष्काम अनुष्ठान बोलते हैं। सकाम पूजा के लिए दुर्गा सप्तशती ने अनेकों संपुट मंत्र दिए गए हैं, जिसमें जिस प्रकार की कामना हो उसके अनुरूप ही विशेष रूप से भगवती का पूजन अर्चन किया जाता है। उसको संपुट के रूप में लगाकर भी या स्वतंत्र रूप से भी उसका मंत्र के रूप में अनुष्ठान करने से विशेष रूप से शक्ति कृपा प्राप्त होती है और उस कामना पूर्ण होती है। जैसे कि सम्मोहन के लिए ओम ह्रीं ज्ञानी नाम अभिचेतामची देवी भगवती हिंसा ब्लादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रेषति हेम स्वाहा। उस तरह हर प्रकार की बाधाओं को दूर करने के सर्वा बाधा प्रसन्नम त्रैलोकस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम अस्मद् वैरी विनाशनम। इस मंत्र का अनुष्ठान करने से हर प्रकार की कठिनाई दूर होकर शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। वहीं हर प्रकार के धन धान्य के संपूर्ण के लिए और हर प्रकार की कामना की पूर्ति के लिए वही सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान सुतान्वित है मनुष्यो तव प्रसादेन भविष्यति न संशय। इसमें कोई संदेह नहीं है, भगवती स्वयं अपने श्रीमुख से कहती हैं कि मेरी कृपा से ये अनुष्ठान करने से निश्चित रूप से सारी कामनाओं के पूर्ण होता है। और जो लोग किसी बीमारी से ग्रस्त हैं और वो चाहते हैं कि कष्ट से निवारण हो, तो उसका रोगा न शेषान न पहंस तुष्टा और उष्टा तो कामान चक्रान अभिष्टान त्वाम आश्रितानाम न विपन्नानाम त्वामश्रिताम हर्षताम प्रयन्ति। इसका अनुष्ठान करने से रोग से मुक्ति मिलती है, स्वास्थ्य लाभ होता है। वहीं किसी प्रकार की अगर आपत्ति आ जाए तो उसमें शरणागत दीनार्थ परित्राण परायण सर्वस्यार्थी हरे देवी नारायणी नमस्ते हर प्रकार के संकट से रक्षा करने के लिए भगवती के इस मंत्र का अनुष्ठान किया जा सकता है। और विशेष रूप से जो शक्ता विशेष साधक हैं वो भगवती के रवाण मंत्र का अथवा ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे अथवा जो गुरु के द्वारा प्रदत्त जो इष्ट मंत्र है उसका अनुष्ठान करते हैं और भगवती की कृपा प्राप्त करते हैं। और अगर कहीं पर कोई ऐसा लगे कि कहीं पर कोई स्थान जो है उन्हें लगता है कि कहीं कोई छाया है, भूत प्रेत आदि की बाधा है, तो उसके लिए यदा यदा वादा दानवोत्था भविष्यति तदा तदा अवतीर्यामि करिष्यामि अरिक्षम क्षयम। इस मंत्र का अनुष्ठान करने से वो स्थान शुद्ध हो जाता है और आसुरी शक्तियाँ वहाँ से पलायन कर जाती हैं और वहाँ सुख शांति का वातावरण बनता है। इस प्रकार शक्ति के अनेकों मंत्र हैं और मंत्र शास्त्र में नवारण के भी छहों रूप मिलते हैं, जिसमें तंत्र में जिनको खटकर्म बोला जाता है, मारण मोहन वशीकरण उच्चाटन स्तंभन आदि, उसके मंत्र भी जो हैं दुर्गा के मंत्र महाराणों में और अनेकों तंत्र ग्रंथों में प्राप्त होते हैं। उनका अनुष्ठान करने से भी साधक अपने मनोनुकूल अपने उसका परिणाम को प्राप्त करता है और भगवती कृपा से वो सब सफल होते हैं।